स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूँ आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी के सर्कुलेटरी सिस्टम के नोट्स। तो बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स हैं। इस नोट्स में डिटेल्ड आंसर दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर 20 ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो इनको एक बार पढ़कर देखिए, अगर आपने इन क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आपका पूरा चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा और आप एग्जामिनेशन रूम में बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप अपने आंसर्स दे पाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, जरूर से पढ़िएगा पूरे एंड तक। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो स्टार्ट। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक से। फर्स्ट डैश एंड डैश आर ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो इसका आंसर है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन आना था ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। सेकेंड डैश कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट वीन्स। Average lifespan of red blood cell is about dash days, 120 days. Dash transport fatty acids and glycerol. It's lymph. Very short question answer, जो वन मार्क्स में आते हैं और आ सकते हैं 2020 के एग्जाम में। 2019 में इसी मेरे नोट्स में से ये एग्जामिनेशन आया था। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन ब्लड। सेकेंड आइडेंटिफाई द ओ टर्म इन अ सेट एंड इमेज एंड नेम द कैटेगरी टू विच द रिमेनिंग थ्री बिलोंग्स। मतलब ये ऑड वन आउट है क्वेश्चन है बेसोफिल्स न्यूरोफिल्स ऑस्टियोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। सो आंसर है लिम्फोसाइट्स, कैटेगरी ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो उन्होंने पूरा का पूरा दिया हुआ, हमने कैसे उनको रिप्रेजेंट करना है हमारा आंसर, प्रेजेंटेशन दी हुई है। तो अगर आप इसी प्रेजेंटेशन से अपने आंसर देकर आएंगे तो ये तो श्योर है कि आपको फुल में से फुल मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन लॉस ऑफ द न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया मेक एस्ट्रोसाइट्स मोर एफिशिएंट इन देयर फंक्शन। क्यों? क्योंकि यार उनका एरिया कम हो जाता है। बिकॉज न्यूक्लियस लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन मोर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि जब न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो उनके पास बहुत सारा एरिया होता है ट्रांसपोर्टेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। फोर्थ गिव अप्रोप्रिएट एंड बायोलॉजिकल टर्म फॉर द फॉलोइंग स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू सराउंडिंग टिश्यूज। इट्स डायपेडिसिस। एक डायपेडिसिस और एक और चीज़ होती है वो बहुत आती है और वो है हमारा, जैसे ये तो डायपेडिस स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBCs फ्रॉम द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। और एक आता है कि ऐसा होता क्यों है, डायपेडिसिस कौन से सेल्स के कारण होता है, तो कह देंगे WBCs के कारण। इसको यानी उल्टा कर कर आ सकता है वाइट ब्लड सेल्स को। डायपेडिसिस की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ब्लड कंटेनिंग हीमोग्लोबिन आर रेड ब्लड सेल्स RBCs और एरिथ्रोसाइट्स। तो एग्जामिनर्स कमेंट इनको पढ़ लीजिएगा, इससे पता लग जाता है कि कैसे एग्जामिनर्स जो है अपना पेपर चेक करते हैं, उनकी जो मार्किंग स्कीम है कैसे होती है। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स ऑफ ब्लड। ये सिर्फ वन वर्ड में देने, हमने क्वेश्चन देखना। अगर ये क्वेश्चन टू मार्क्स में आया तो हमने साथ में ये लाइन भी लिखनी है। लेकिन अगर हम बताए, जैसे मैंने आपको बताया ये वन वर्ड के क्वेश्चन है, वन मार्क्स के क्वेश्चन है, तो हम सीधा लिख देंगे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। रीराइट एंड ये हमने कंप्लीट करना है। ब्लैंक है ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन RBCs एंड फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई थी और उन्होंने पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन RBCs फॉर्म्स। तो ऐसे यानी कि एक एक वर्ड चेंज होकर आ सकता है। जैसे 2015 में आया था, 2019 में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई थी ऑक्सीजन को चेंज कर। एट्थ गिव द बायोलॉजिकल टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग द प्रोसेस बाय विच वाइट ब्लड सेल्स इनगल्फ बैक्टीरिया फेगोसाइटोसिस। तो आपको अपनी बुक में डायग्राम देखनी पड़ेगी फेगोसाइटोसिस की, बहुत ईजी है। डायपेडिसिस और फेगोसाइटोसिस बहुत ही इंटररिलेटेड है, तो इनमें कन्फ्यूजन भी होती है, एक बार पढ़ लीजिएगा आपको पता लग जाएगा। गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड। प्लाज्मा इज द टेक्निकल टर्म फॉर द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड। तो ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि ये मार्किंग स्कीम है, यानी इस हिसाब से आपका पेपर चेक होता है। यानी कि एग्जामिनर को ये आंसर मिला हुआ है बोर्ड की तरफ से, अगर आपने इसके जैसा आंसर लिखा तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अगला ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म डायपेडिसिस। डायपेडिसिस इज द प्रोसेस बाय विच वाइट ब्लड सेल, जैसे आपको पहले बताया था, डेफिनेशन याद करनी है आपको, हमने पहले बता दिया है। ये देखिए फिर से ये क्वेश्चन आया वो 2012 में, WBC स्क्वीज आउट फ्रॉम द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज इनटू टिश्यूज थ्रू डायपेडिसिस। तो ये डायपेडिसिस फेगोसाइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप पक्की तरह से याद कर ही लीजिए। अगला फिर से वही क्वेश्चन आया हुआ लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस वाला। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब जो जो रिपीट हो रहे हैं वो तो आपने बारी बारी करने ही हैं।
मतलब इस बार भी क्या आप रिपीट हो जाए। अब डिफरेंस है एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स में। एरिथ्रोसाइट्स ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, ल्यूकोसाइट्स ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स। तो जैसे कि मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप अपनी वीडियो पॉज कर कर इनके कहीं लिख सकते हैं, या फिर इन्हें याद कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर अपने आपके खुद के नोट्स बना सकते हैं। और लेकिन अगर आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे अपनी जीमेल आईडी डालने के लिए अपनी जीमेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको मेल कर दूंगा जरूर से। 14th, गिव द टेक्निकल और बायोलॉजिकल टर्म फॉर द फॉलोइंग द प्रोसेस बाई विच वाइट, फिर से वही आ गया फेगोसाइटोसिस, फिर से वही क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो ये बारी बारी रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन को। चूज ओड वन आउट, ये पढ़ लीजिएगा आप, ये सही, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन एर्थोसाइट्स, तो ये हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन एर्थोसाइट्स। तो इन्होंने आंसर में दो क्वेश्चन बनाकर दे दिए, एक बार क्योंकि ये 2004 का है, एक बार 2002 में एक क्वेश्चन आया था, द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट फाउंड प्रेजेंट इन एरेथ्रोसाइट्स, तो उसका आंसर भी हेमोग्लोबिन आना है। अगला क्वेश्चन गिवन बिलो, ये क्या है ओके, ये पढ़ लीजिएगा आप, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में वैसे आता नहीं है, ये पहले आते होते हैं, 2005 से पहले का ये पैटर्न है थोड़े से क्वेश्चंस का, लेटेस्ट भी आपको बता रहा हूँ 14 वगैरह वाले, पर पढ़ लीजिएगा, आपको पॉज कर लीजिए वीडियो, कर ली ठीक। अब 19th, 1 point डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, रेड ब्लड कार्पल्स एंड वाइट ब्लड, मान लो रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स में डिफरेंस बताना है ओरिजिन का। आपको पता ही होगा रेड ब्लड सेल्स जो हैं हमारे बोन मैरो से आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ, ये देखिए, RBCs आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बोन मैरो एंड WBCs आर ओरिजिनेटेड इन द लिम्फ नोड्स ऑफ लॉन्ग बोन। डिफरेंशिएशन बिटवीन द फॉलोइंग, ब्लड प्लाज्मा एंड सीरम, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट ही है वैसे तो। अगला है नेम द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो ये रेड ब्लड सेल्स हैं। ये देखिए वही आया हुआ है ना क्वेश्चन, 2000 में, सॉरी ये 2000 में आया था, द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आपको बताया था मैं हीमोग्लोबिन, इसका आंसर है हीमोग्लोबिन, ये देखिए हीमोग्लोबिन। तो अगला आ गया हमारा, ए ग्रैन्यूलोसाइट्स आर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस इनकी फॉर्म चेंज होती है। आप ये तो समझ लीजिए कि बायोलॉजी में जो सारे क्वेश्चंस आएंगे वो आपके किए हुए आएंगे, क्योंकि सिर्फ फॉर्म चेंज होगी एक दो वर्ड्स की, वो भी जैसे ब्लैंक्स हैं तो MCQ में डाल देंगे, MCQ हुआ है तो डेफिनेशन में डाल देंगे, डिफरेंशिएट है डेफिनेशन, ऐसे बस फॉर्म चेंज हो गया, आगे क्वेश्चन सेम रहेंगे। अब आगे हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ डिफरेंट ब्लड सेल्स एज सीन इन सीमुर ऑफ ह्यूमन डायग्राम, बना देना हमने, ये देखिए डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो जो हमारा फर्स्ट है लिम्फोसाइट्स एंड न्यूरोफिल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस, प्लाज्मा एंड सीरम कंपोजिशन पर बेसिस पर, ये देखिए इनका आंसर दिए हुए हैं, ऐसे हमने एक एक पॉइंट में ही आंसर देने हैं। तो ऐसे तो आपको भी पता है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बीच में से स्किप कर रहा हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे से स्किप कर रहा हूँ, आप पॉज कर कर एक के क्वेश्चन जरूर से पढ़ सकते हैं। ये देखिए अब ये क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हैं, ये देखिए ये जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए 2018 में भी आया हुआ, 2002 में भी आया हुआ है, नेम एक डायग्राम बनानी है हमने वही ह्यूमन ब्लड की। अच्छा डायग्राम दी हुई है, हमने इसमें से आंसर देने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से नेम द पार्ट ABCD लेबल करने हैं हमने, ABCD पार्ट। तो आप देख रहे हैं ए जो है वो है एर्थोसाइट्स, बी जो है वो है ल्यूकोसाइट्स, सी कहाँ पर ये रहे, सी है थ्रोम्बोसाइट्स और डी क्या है प्लाज्मा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, मैंशन द टू स्ट्रक्चरल डिफरेंसिस बिटवीन द पार्ट्स लेबल्ड ए एंड बी,
अब ए हमारा क्या है, आर बी सी ज़ा, बी हमारा क्या है, डब्ल्यू बी सी ज़ा, दोनों में डिफरेंस देना है स्ट्रक्चरल, मतलब दिखने में कैसा है। जैसे आर बी सी इज़ बाइकनकेव है और न्यूक्लियस इज एबसेंट है, बी में मतलब डब्ल्यू बी सीज में एम्योबॉइड इन शेप है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन होंगे, ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो बस डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपनी जीमेल आईडी दे दीजिएगा, मैं ज़रूर से सेंड कर दूंगा आपको। अब हम टॉपिक टू पर आ गए हैं, ब्लड क्लोटिंग। तो इस पर ये देखिए, ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये मैं पढ़ने वाला तो हूँ नहीं, ये एक तरह बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, शॉर्ट में क्विक रिवीजन के लिए हमारे एग्ज़ाम के टाइम में। तो ये तो आप ज़रूर से एक जगह पर लिख कर रख लीजिएगा। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से बढ़ते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सोलुबल प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग, तो इसका आंसर है फिब्रिनोजन। सेकेंड, गिवन बिलो आर द सेट ऑफ फाइव टर्म्स, ईच री राइट द टर्म्स इन करेक्ट ऑर्डर इन द लॉजिकल सीक्वेंस, फिब्रिन, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिब्रिनोजन, थ्रोम्बिन। द लॉजिकल सीक्वेंस इन द सेट इज प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिन। तो द मिनरल आयन नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट इज, ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम और आयरन। तो इसका आंसर आ जाएगा कैल्शियम। नेम द फॉलोइंग द मिनरल एलिमेंट एसेंशियल फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो इसका आंसर है कैल्शियम। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग बाय प्रोड्यूसिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट। आयरन इज द मिनरल एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो इसका आंसर है आयरन की जगह कैल्शियम आएगा, कैल्शियम इज द मिनरल एलिमेंट एसेंशियल फॉर द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। तो अब हमारा थर्ड टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर यह पूरा चैप्टर बेस्ड है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा हार्ट का सर्कुलेशन कैसे होता है, डायरेक्शंस, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, वन मार्क्स में आता है, जो गिव वन डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, मिटल वॉल्व एंड ऑर्टिक सेमी लूनर वॉल्व। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ऐसे क्वेश्चन मत याद कीजिए ये वाला, आप पता क्या कीजिए, आप अपनी बुक खोलिए, मिटल वॉल्व के बारे में पूरी डिटेल में पढ़िए और सेमी लूनर वॉल्व के बारे में पूरी डिटेल में पढ़िए, पता लगेगा आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा, और फिर यहाँ पर आइए वीडियो में और फिर क्वेश्चन याद कीजिए। तो जो हमारा इसमें हमने क्या बताना था, डिफरेंस बताना था, तो मिटल वॉल्व इज फाउंड बिटवीन लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वो क्या है, लेफ्ट ओरिकल है और लेफ्ट ही वेंट्रिकल है, उसके बीच में फाउंड होती है। और सेमी लूनर वॉल्व इज लोकेटेड एट पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ओटा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर से वो लॉजिकल सीक्वेंस है, पॉज कर देख लीजिएगा। द रिलैक्सेशन फेस ऑफ हार्ट इज डायास्टोल, द रिलैक्सेशन फेस ऑफ हार्ट इज डायास्टोल एंड द कॉन्ट्रेक्शन फेस ऑफ हार्ट इज सिस्टोल, याद कर लीजिएगा। स्टेट द करेक्ट लोकेशन ऑफ पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, 2013 में और 2019 के स्पेसिमन में, और भी बहुत जगह आएगा, आपको बताता रहूँगा मैं। ब्लड वेसल्स विच सप्लाइज ब्लड टू द लीवर, हेपेटिक आर्टरी। अगला क्या है, रीजन बताना है, रीजन अच्छी तरह से पढ़कर जाना है हमने। द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट हैज अ थिकर वॉल देन द राइट वेंट्रिकल, इसका आंसर आ जाएगा द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पंप द ब्लड टिल आर टोज, मतलब पैरों तक हमें ये ब्लड पूरी बॉडी में मतलब ब्लड पंप करना होता है, एंड टू द हेड अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट भी हमने मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सो द वॉल आर थिकर, ताकि अच्छी तरह से कंट्रैक्ट हो सके, बहुत जोर जोर से कंट्रैक्ट हो सके। राइट वेंट्रिकल्स हैव थिनर वॉल्स बिकॉज इट हैज टू पंप ओनली टू द लंग्स, जो लेकिन राइट वेंट्रिकल्स हैं उनको सिर्फ हार्ट तक ही ब्लड पंप करना होता है, यानी कि लीवर तक ही ब्लड पंप, लंग्स तक पंप ब्लड करना होता है, यानी बहुत कम डिस्टेंस है, इसीलिए उनको कम कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, कम रिलैक्स होना पड़ता है, तो उनको थिकर वॉल्व्स नहीं चाहिए। आप टॉपर का भी आंसर पढ़ सकते हैं, 2017 में आया हुआ है क्योंकि। तो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम कर कर आप खुद एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं।
बस वीडियो हमारी खत्म होने वाली है, थोड़े से क्वेश्चंस रह गए। स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द टेंडाइन, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑन विच, ठीक है, लब और डब में डिफरेंस बताना है। ये साउंड्स होती हैं, जैसे नेम द वॉल्व फ्रॉम वेयर द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जो लब साउंड है वो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व से होती है, जो डब साउंड है वो है सेमी लूनर वॉल्व से। द वीन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वीन, और द आर्टरी दैट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये याद रखने वाली बात है। द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन द आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज इन द हार्ट, तो वो है लब। द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट पेरिकार्डियम, द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट पेरिकार्डियम। स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व इज फाउंड बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। पल्स वेव इज मेनली कॉज्ड बाय द, ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसका आंसर है सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अच्छा क्वेश्चन, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप जो मेन एक क्वेश्चन है वो ये है, इसको याद कर लीजिएगा ध्यान से। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व में डिफरेंस, तो ये ध्यान से याद कर लीजिएगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आप। स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ कोरोइड टेंडाइन, तो इट इज़ फाउंड इन राइट वेंट्रिकल, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कस्पिड वॉल्व्स इन पोजीशन, इसको वॉल्व्स को पोजीशन में रखना। तो लॉजिकल सीक्वेंस में हमने अरेंज करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा पोस्ट एंड प्री वेना कावा, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेंस, लेफ्ट ऑरिकल। तो ये हार्ट का पंपिंग है, इसके ध्यान से याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा और कंफ्यूजिंग भी बहुत होता है ये। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड में आपने देख ही लिया है डिफरेंस, और उसके बाद ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। तो मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, तो बार बार नहीं मैं कर रहा। तो ये एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये नहीं अभी तक हुआ। द पल्स बीट पर मिनट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन इज 72 बीट्स पर मिनट, इज 72 बीट्स पर मिनट। तो अब शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए 2 मार्क्स वाले। तो ये क्या है, फ्रॉम वेयर द ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड, हेपेटिक वीन कैरीज ब्लड फ्रॉम लीवर टू पोस्टीरियर वेना कावा, और हिपेटिक पोर्टल वीन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर। तो क्वेश्चन पढ़िए कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये, मैं नहीं करवा सकता आपको, ये खुद ही पढ़ने पड़ेंगे। ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये देखिए, ये इसकी डायग्राम क्वेश्चन है ये, और ये इसका आंसर है। सेकंड डायग्राम, ये डायग्राम, ये इसका आंसर। थर्ड डायग्राम, और थर्ड डायग्राम का यहां से आंसर स्टार्ट होता है और यहां तक हमारी फोर्थ डायग्राम, उसके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। हमारी फिफ्थ डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम लग रही है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, फिफ्थ का आंसर। तो उम्मीद है आपने पॉज कर 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 सभी के स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। एक और डायग्राम रह गई हमारी, उसकी भी ये पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। डायग्राम टू डायग्राम वाइज देखना है, ये रही डायग्राम, उसके क्वेश्चंस, उसके आंसर्स, नेक्स्ट डायग्राम, उसके क्वेश्चंस और उसके ये दो आंसर यहाँ पर हैं, और ये बाकी के आंसर्स यहाँ पर ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड डायग्राम और उसके आंसर्स ये रहे, थोड़े से नीचे ये भी आंसर हैं इसके पिछले वाले के, ये आंसर्स दो। अगली डायग्राम सेम है, ये हमारे पहले भी आ चुकी है, तो हम ये बारी बारी नहीं दिखाएंगे आपको। ये लास्ट वाले डायग्राम आप देख लीजिए ध्यान से,
ये डायग्राम और ये इसके डिटेल में आंसर्स। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, ये देख लीजिए ये आंसर्स। सो थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको और चैप्टर्स के ऐसे प्रीमियम नोट्स चाहिए तो ज़रूर से मैं आपके लिए अगली वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आपको इस पूरे जितने भी ये 13-15 पेजेस का ये PDF है, अगर आप किसी को भी ये PDF चाहिए तो मुझे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपना कमेंट बॉक्स में, अपना जीमेल अकाउंट ज़रूर से अपना जीमेल ID दे दीजिएगा, मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आर वीडियो।